और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे स्कूल, मैं इस स्कूल में 5वीं के पेपर देने आई थी। तो अभी हम आ गए नानी के घर से, नानी ने बनाया था हमारे लिए खाना और ये है मेरी नानी का घर। तो हम तो लीजो लेते था बड़दगढ़ था निकोले गाड़े का हाँ अभी तक किडनैप कर लीजिए ना वहाँ बड़दगढ़ हाँ। तो अभी आपने देखा होगा एक बच्चा हमें रास्ते में मिला, लेकिन हमने गाड़ी रोकी और उसको लिया अपने साथ। अभी उत्तराखंड में काफी लोगों में अभी भी इंसानियत है। अभी ये और मैं हम दोनों बैठ रखे हैं यहाँ पे, बाकी और कोई नहीं है। तुम कह कहाँ का छो? तो मंदिर से हम फिर भैरंखाल पहुँच गए हैं और अब हम यहाँ से जाएंगे नानी के घर को। तो हम पहुँच गए आधे रास्ते में, गाड़ी खड़ी कर दी है भैरंखाल में और हम पहुँच गए यहाँ। और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे स्कूल, मैं इस स्कूल में 5वीं के पेपर देने आई थी। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये है स्कूल, ये तो ये है 5वीं तक प्राइमरी स्कूल है ये भैरंखाल। और यहाँ पे है ये आंगनवाड़ी, पहले आंगनवाड़ी नहीं था, 5th तक था, लेकिन अब आंगनवाड़ी भी हो। भैंसा बकरा भैंसा अदरक देखो कदा दे रहा हूँ सोखना पर। ये है मेरी नानी का घर और जो ये वाला घर है अभी, ये पहले ऐसे ही था जैसे ये सामने बना हुआ है, तो ये ऐसे ही घर था लेकिन इसको तुड़वा के और इसको ऐसे बना दिया। और यहाँ से इधर को बहुत बड़ा सा खेत है। दिमाग खराब ना लगा बल नहीं हो रहा है। अरे नहीं तो साथ या मैं गार्ड मिल या मैं जरा अच्छा तो ये साथ जरा क्या मामला हो हो जाए ना। नहीं बहुत चीज था वक सब ना दे रहा था किले अब तो फिर जल्दी ना ना भार ना पर वो गरम तो अच्छा बनता वाले न्यू आलपा। हाँ तो ये है मेरी नानी और नानी दे रही है हमें अदरक। ये है यहाँ पे एक नींबू का पेड़ है ठंडो या हो भाई है ना। और ये है भोन गांव और यहाँ है मेरी नानी, ये मेरी मम्मी का गांव है। अच्छा कपन लगा रहा लो अच्छा अच्छा ये अपन लगा रहा लाशन है धाम में बड़े नहीं रखना। अच्छा यो अदरक का बोज बांध रहा तो उनमें खाना है बोज करना भी हो सकता बोज सामने नहीं। हां नानी आ लिया और यहां से पानी भरने का है और वो है वहाँ पे लहसुन लगा रखा है पूरा खेत में। तो अभी हम आ गए नानी के घर से, नानी ने बनाया था हमारे लिए खाना और हमने खाया वहाँ पे खाना। फिर अब हम चल रहे हैं घर को, टाइम 1:45 हो गया है और क्योंकि सर्दियों का टाइम है दिन बहुत छोटे हैं तो अभी हम जा रहे हैं और 1:45 हो रहा है अभी तो चलते हैं। और अब हम जा रहे हैं मेरे ससुराल यानी कि मेरा जो दूसरा वाला गांव है वहां जा रहे हैं हम अभी। तो चलिए अभी वहां चलते हैं। और यहां से ये है गौलीखल का मार्केट, हमारा जो मेन मार्केट है जामणी गांव का या आसपास में जैसे बहुत सारे गांव हैं तो उन गांवों का जो मार्केट है वो यही है। और यहां से बहुत टाइम मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी शादी से पहले हम यहां से सामान लेने यही आते थे, हमारा मार्केट यही है तो जो भी सामान लेना होता था हम यही आते थे सामान लेने के लिए।
और ये है मेरा स्कूल, यही मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की है। हमारे गांव वाले इसके इसी स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए, जामुनी से और जुंदालू इसी स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए। तो अब तो रोड की सुविधा हो गई है, सब कुछ अच्छा, फैसिलिटी सब अच्छी हो गई है, लेकिन आज से काफ़ी साल पहले, 15-18 साल पहले की बात है, तो मैं यहीं आती थी पढ़ने के लिए। बच्चे के नाम से तैयार हो? सूरज। सूरज है, पूरा नाम बताए दापुर। अमन रावत। अच्छा अमन रावत है। कई गाँव के गाँव नाम क्या है तुम्हारो? बटूला। अच्छा बटूला है। हाई स्कूल में का पढ़ी है? गोलखाल पढ़ी। अच्छा तो तू आप ये भागे वो भैया था? अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम तो ली जो लेते थे दगड़ था ना, हम बोलते ले जाते थे वहाँ पर गाँव। हाँ बोलते ले जाते तेर माँ। हाँ आता तेर माँ जी वो ढूंढ दिया फिर ढूंढ लेते थे तब। अच्छा तो फिर फोन नंबर भी अच्छा जो माँ जी को पापा को। अच्छा माँ जी नाम क्या है? रजनी देवी। अच्छा पापा को? भूपिंदर सिंह। अच्छा अच्छा कदा भाई बने छो तुम? हम दी बहन दी एक भाई जी एक बहन दी बहन जी। अच्छा दुई बहन जी तेरा है। अच्छा तो वो भी स्कूल जान वाला है? बड़ा छी तीसरा छोटा? बड़ा। अच्छा बड़ा छी। अच्छा तू अभी हम अभी अब हम तेरा वो भाई हो गल खाल बे। ओहो अतती तक ले जा रही पकड़ी तब। अजन हमली बैठा रहती था पर गाड़ी में अहिन थी तक कोई बैठा जलता है कोई कुंडा जला होली जाता या पर न्याना बोनी ना कोई है ना न्याना गुंडा या पर ना लोग बोले रंदी ना ना इन्नी जाना क्या तक ठीक छ। अच्छा चल बटूल छोड़न ती ता है क्या पर तक दिल्ली जो दिल्ली काल का जी। हां का ना अत्यार तक रंदी पिताजी पंजाब पंजाब है। अच्छा चल तो दिल्ली से वो दिल्ली पे थी तो पंजाब बस में बैठा दिला चल ले हैं ना भाई। अच्छा अच्छा चल अभी बैठ रहा अभी रुक जा। हाँ अभी तो हमला पर्दा कर ले जान नहीं खोले गाड़ी का। हाँ अभी तो किडनैप कर ले जाना हमारा पर्दा कर। हाँ इनके एक गाड़ में ज्यादा ठीक है जो पहाड़ी खोलो गाड़ में निकोल मा ये द खोल चल ठीक छ। हां बाय बाय। अभी आपने देखा होगा एक बच्चा हमें रास्ते में मिला और वो गोलीखाल स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पे, वो उस स्कूल में पढ़ता है। अब वो है बाटुला का, तो उसने हमें ऐसे हाथ दिया, मतलब ऐसा पूरा हाथ नहीं दिया, जरा सा कर रहा था ऐसे करके। उसने सोचा होगा कि अब तक रोकते नहीं रोकते, लेकिन हमने गाड़ी रोकी और उसको लिया अपने साथ। लेकिन अगर हमारे मतलब प्लेन्स की कहीं की भी बात होती और अगर ऐसा कोई हाथ देता ना बच्चा, तो सच में उसको किडनैप करके कोई भी ले जा सकता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ऐसे ना जाने दें, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। क्योंकि अगर हमारी यहाँ पे उत्तराखंड में काफ़ी लोगों में अभी भी इंसानियत है, मतलब कि हमें पता है यहाँ पे कि रोड बहुत दूर है, लोगों के घर जो है वो रोडों से बहुत ज़्यादा दूर है, पैदल जाने का मतलब गाड़ी का कोई साधन नहीं है, पैदल जाने का रास्ता है, और जो साधन है भी तो उसमें जो गाड़ियां हैं वो लिमिट टाइम से चलती हैं, हर गाड़ी का जो है वो टाइम होता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ऐसे ना छोड़े। और वो बच्चा अकेला था, उस बच्चे के साथ कोई भी नहीं है, तो अकेला स्कूल से आ रहा था वो, तो हमने उसको वहाँ पे छोड़ दिया। हम तो उसके साथ ऐसे मजाक कर रहे थे कि हम नहीं हम तेरे को अपने यहाँ ले जाएंगे, तो अजीब सा मुँह हो गया था उसका थोड़ा सा। और हमने उसको उसके उसका जो घर है वो बस बाटुला के बस स्टॉप पे उसको उतार दिया वहाँ पे, तो वो वहाँ से अब अपने घर चला जाएगा। तो अभी हमारे उत्तराखंड में अभी भी हमारा उत्तराखंड जो है वो अभी भी इतना सेफ है कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे या कोई भी मतलब ऐसे टैक्सी को रोका और उनके साथ चले जाते हैं। और शहरी क्षेत्र जितने भी हैं
उनमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसे जो बड़ों की बात अलग है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, अगर ऐसे कोई उनको ऐसे कोई भी किसी टैक्सी को या किसी गाड़ी को ऐसे हाथ देगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो उसको बैठाएंगे और कुछ भी बहाना करके या कुछ भी करके किडनैप करके ले जाएंगे। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं या छोटे शहर हैं, शहरी क्षेत्रों की बात मैं कर रही हूँ, हमारे उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जगह जगह में खड़े रहते हैं, परेशानी रहती है उनकी, कोई सर में ढोके सामान ले जा रहा है तो उनको रहता है कि हमें है ना थोड़ा आगे तक मतलब कोई लिफ्ट मिल जाए, है ना, तो ऐसे हो जाता है। तो अभी हमारे साथ एक बच्चा आया, तो यहाँ पे हमारा उत्तराखंड जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ है। ऐसा नहीं है कि हम किसी की कोई बच्चा किसी की गाड़ी में बैठा तो उठा के ले जाएगा भाई उसको, है ना, तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो उत्तराखंड की तो भाई हम उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड की तो बात ही अलग है, तो हर किसी जगह में नहीं है ऐसा। और यहाँ पे ये है उटड़ा, अब तो ये है उटड़ा और यहाँ पे ये मंदिर है, पता नहीं किस चीज़ का मंदिर बना रखा है, पर बहुत सुंदर सा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। और घर देखो, यहाँ लोगों ने इतने सुंदर सुंदर घर बना दिए पहाड़ों में, रह ही नहीं गया अब तो शहरी में और पहाड़ों में कोई, घरों में मतलब, वैसे तो पहाड़ तो पहाड़ ही हैं सब, लेकिन घरों में कोई अंतर नहीं। पहले घरों में, पहाड़ों में कैसे घर होते थे, पत्थरों से बने हुए होते थे, लेकिन अब जैसे प्लेन्स में है वैसे ही पहाड़ों में भी बना लिए लोगों ने घर, रोडों के किनारे, लेकिन अच्छा है। ये है दिगोलीखाल का मार्केट, और इसके आसपास जितने भी गांव हैं ना, तो उनका जो मेन मार्केट है वो यही है, यहीं आना होता है सब सामान लेने के लिए। तो ये भी अच्छा खासा मार्केट है, ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ठीक ठाक है मतलब। ये है किनगोड़ी खाल, रोड बहुत अच्छी बन गई है, अब पहले नहीं थी ऐसी रोड, बट अब बहुत ज्यादा अच्छी बन गई है। टूटी फूटी थी पहले, जब मैं पहले आई थी तो बहुत टूटी फूटी थी, लेकिन अब अच्छी हो गई है। तो ये है सौंप खाल और ये छोटी दीवा है ना, छोटी दीवा माता मंदिर है ये। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं गुलार खाली में, और जो ये मंदिर दिख रहा है ना, तो हमें यहीं पे उतरना है और उसके बाद नौटियाल जी उधर से गाड़ी को घुमा के और नीचे झिमार से होते हुए नीचे को, और तब नीचे आएंगे और हमें यहीं पे इसी वाले स्टॉप पे उतरना है, और ये आगे को इधर को चले जाएंगे। तो ये रोड जा रही है यहाँ से सराई खेत के लिए ऊपर, और हमें यहीं से जाना है नीचे। अब 15 रुपये को ये जो तुम ले आओ दी, अच्छा है वो बताओ, हाँ अच्छा, हाँ वही तो बने, ये तो मुश्किल वो है ना, हाँ वही तो, हाँ हाँ हाँ। तो ये है यहाँ का खूब सारा घना सा जंगल, ऊपर भी जंगल है और आप नीचे देखोगे तो नीचे भी पूरा जंगल ही जंगल है। और अब हमें इस जंगल के रास्ते से, ये देखो कैसा जंगल है, अब इस जंगल के रास्ते से हमें घर पे जाना है ना। तो देखते हैं कि कितना टाइम यहाँ से घर जाने में लगता है। नौटियाल जी चले गए गाड़ी छोड़ने के लिए वहाँ, और हम वो गाड़ी लाएंगे घर के नीचे को, जहाँ से चढ़ाई है ऊपर, तो चढ़ाई चढ़ना मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं ऐसे किया हमने कि उन्होंने हमें यहाँ पे उतार दिया और यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। अंकित स्कूल के लिए निगाह आज ना भाई, नहीं हो इन थोड़ो नो नहीं निगाह,
कोई तो कारण वाले यार है उन्हीं निगाह है। अच्छा माँ जी का सदिया भी छाए। अच्छा जरा पकड़ देते ये तो लीजिए तो चलो अगू इनका छा रहे। अच्छा तुम दुई भाई और छुट्टी अरवी तो तुम स्कूल भेज रहा है हैं। अच्छा अक्का चुमी की स्कूल है। अच्छा अच्छा वही अमी पढ़न है। अच्छा अच्छा तो जो हमारे साथ अभी जा रहे हैं वो हैं मेरे देवर यानी कि मेरे चाचा ससुर जी जो हैं उनके बेटे हैं वो, तो वो मेरे को बोलेंगे भाभी और वो हुए मेरे देवर। तो अभी चलते हैं नीचे नज़र लगाती हूँ नहीं तो पता चल रहा टांग रड़ रही है और मैं नीचे ना रोड ले आए यार अंकि अब जल्दी जल्दी है सर्वे तो होने लगी रहने यार अको नहीं आने दो इम्मी तो बता जरा बिस्टू ढाया का बिस्टू ढाया का नहीं आने आए बताओ हूँ तो नीचे मैं बल रोड है हाँ वही तो बिस्टू ढाया वो लोग जरा सीचे नहीं इसलिए हाँ तभी तो न्याने ना उब। तो अभी आधे रास्ते तक पहुँच गए हैं और कोशिश करते हैं घर पहुँचने की। बाकी मैं घर पहुँच के आपसे बात करती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं अगर वीडियो बनाती रही ना और अगर मेरा पैर यहाँ से गया नीचे तो मैं भी गई नीचे फिर। तो इसलिए ध्यान से और संभल के। तो अभी मैं तो अभी हम घर पहुंचने ही वाले हैं थोड़ा सा रह गया है और यहाँ से व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। और ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे ये है यहाँ का स्कूल या ये है इंटर कॉलेज बेताकोट खाल ये वाला। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है सामने का। ये सारे यहाँ पे खेत हैं पूरे यहाँ से जहाँ से हम आए ऊपर से तो पूरा जंगल है पूरा। और सामने गांव है ये पता नहीं कौन कौन से गांव है। उधर साइड में जिमार है वहाँ उधर और ये रहा स्कूल इधर और फिर इधर को भी पूरा जंगल ही जंगल है। तो जो हमें लेने आया था वो देखो कहाँ चला गया। और मैं अभी आधे रास्ते में नहीं मैं पहुँचने वाली हूँ वो यहाँ खड़ा हो रखा ये देखो। तो ये है चाचा जी लोग का घर उन्होंने न्यू घर बनवाया है ये। अच्छा और ये है पुराना वाला घर और वो है नया वाला घर। और जहाँ गैस और वो गैस सॉरी जहाँ भैंस गाय बांधते हैं ना तो वो जो ऑरेंज वाला दिख रहा है ना उसमें बांधते हैं। और बाकी यहाँ सब घास घूस नीचे और ऊपर रहते हैं। और ये छतुल के तैर रहे मीनू है तो टूटिया दिए तो इन दर्द नहीं है। अच्छा अच्छा छतुल टूट जान तीन दर्द दिए तो अच्छा। और माल्टा भी लग रही तुम्हारे बनाए। अच्छा और ये है माल्टे का पेड़ और माल्टे देखो कहाँ लग रखे नीचे यहाँ। देखो कितने सारे सीताफल रखे हैं यहाँ। तो अभी हम पहुँच गए हैं घर पे और दादी लोग अपने काम पे गए हैं। दादी ओ रे अपने गौशाला में दूध निकाल रहे होगी भैंस का। और चाची गई है खेत में घास घूस लाने के लिए जानवर अपने भैंस और गाय के लिए गाय बैल बकरी जो भी है उनके लिए। और चाचा जी अभी अपने काम पे गए सब लोग अपने काम पे गए हैं। तो अभी ये और मैं हम दोनों बैठ रखे हैं यहाँ पे बाकी और कोई नहीं है है ना। और सब अपने अपने काम में गए हैं। तो नौटियाल जी भी अभी पहुंचने वाले होंगे नीचे से यहाँ।
तो ठंडा हो रहा है यहाँ, तो मैं अभी पहनती हूँ स्वेटर। फिर आज रात भी होने वाली है, मौसम बहुत ठंडा है यहाँ का। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वाले वीडियो में सभी लोगों से मैं मिलाऊंगी आपको, और यहाँ का स्कूल, और स्कूल तो दिखाया था मैंने लेकिन फ्रंट से नहीं दिखाया, इधर पीछे का एरिया मैं सारा दिखाऊंगी आपको, तो बने रहेगा वीडियो में। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तुम कह गाँव का छो? अच्छा, क्या नाम से तुम्हारा? संगीता। अच्छा अच्छा अच्छा, खड़गोड़ है कछो है, एक बिछाना खंड लिया रोला है। अच्छा अच्छा, अब चक्की लगा आंटी लाए। अच्छा अच्छा, दो तीन और भी हो रहा कोई है? तो जैसे ये लड़की लेके जा रही है सर में, तो ऐसे पहले हम भी लेके जाते थे, और यहाँ पे ना दूर दूर चक्की इनकी यहीं पे है, यहीं पे आटा गेहूँ लाते हैं पिसवाने के लिए, मंडवा गेहूँ जो भी है। तो चाचा जी की चक्की है यहाँ पे, तो उनके घर पे लाते हैं। तो ऐसे ही सर में लेके आना होता है, और अभी काफ़ी दूर जाना है, जो उधर जंगल दिख रहा है उधर, उसके पीछे इनका घर है, तो वहाँ जाना है इनको। मेरे भूल जा।